कौशाम्बी में 3 दिन पहले हुए हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंध को छुपाने के लिए पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। हत्या के आरोपी ने जुर्म कबूल करते हुए कहा कि वह प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर जाया करते थे। इस बीच उसके पति को शक हो गया था और इसलिए उसकी हत्या कर दी। इस रानी देवी से रानी से हमारा संबंध था और रानी के घर में हम जाते आते थे तो रानी का आदमी बहोरे ने उसको शक किया था तो रानी को मारता था, गाली देता था, झगड़ा करता था। तो रानी ने उठ करके हमसे कहा कि जौन है ये ऐसे ऐसे हमको गाली गुत्ता कर रहा है, मारता है, गरियाता है, तो इसको हमारे रास्ता से हटा दो। तो हमने सर मेवालाल से कहे कि मेवालाल ऐसी ऐसी बात है और इसको ले जाओ, आप हमारा रास्ता साफ कर दीजिए। तो मेवालाल ने साहब उसको मार दिया। मुलाकात कहाँ हुई थी पहली बार मेवालाल से? नहीं, रानी। रानी साहब उनसे घर में, हम घर आते जाते थे। जी, क्या रिश्ता है? वहाँ हमारे भाई की लड़की थी तो वहाँ हम जाते थे, तो उसे प्रेम व्यवहार बन गया, संबंध बन गया था। पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों को बताया कि हत्या में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी ने अपने जुर्म कबूल किए हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुबह थाना कलाली क्षेत्र में एक अज्ञात शव मिला था जिसकी ईंट से सर पर प्रहार करके हत्या की गई थी। बाद में उस शव की शिनाख्त भोले नाम के व्यक्ति की हुई। वो पल्लेदारी का काम करता था। जब इसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो तमाम तथ्य प्रकाश में आए कि मृतक की पत्नी के एक दक्षिणी नाम का व्यक्ति है जो उनके रिश्ते में आता है, उससे अवैध संबंध थे और इसी अवैध संबंधों के चलते उसकी पत्नी दक्षिणी और 2 अन्य लोगों के साथ इसकी मृतक की हत्या की गई थी। 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है और इसमें जो भी विवेचनात्मक कार्रवाई है पूर्ण करके इनको जेल भेजा जा रहा है। बता दें कि रविवार को करारी थाना के जमालपुर तियरा गांव के बाहर खेत में एक अधेड़ का शव मिला था। घटनास्थल से पुलिस ने शव को अपने कब्जे में करके घटना की जांच पड़ताल करने के बाद शव की शिनाख्त दहिया गांव निवासी के रूप में की थी। न्यूज़ डेस्क।